मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना के लाभार्थियों से संवाद किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों से जल संरक्षण की अपील करते हुए कहा कि अगर आज हमने जल संरक्षण नहीं किया तो कल हमें भयंकर सूखे का सामना करना पड़ेगा। इस दौरान मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जल संरक्षण में योगदान देने वाले किसानों को अमृत क्रांतिकारी मित्र की उपाधि से सम्मानित किया। देखिए रिपोर्ट। हमारी जिंदगी के लिए जल उतना ही जरूरी है जितना कि हमारे शरीर में खून का होना, लेकिन बेतहाशा बढ़ती आबादी, उसकी जरूरतें और पुरानी पद्धति से खेती की वजह से बड़ी मात्रा में जल का दोहन हो रहा है और अगर समय पर इस ओर ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले दिनों में भयंकर सूखे का सामना करना पड़ेगा, जिस बारे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेशवासियों को सचेत कर रहे हैं। मेरा पानी मेरी विरासत योजना के लाभार्थियों के साथ ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल जुड़े और पानी को भविष्य के लिए बचाने की अपील की। और मैं एक आज विशेष आपसे साझा करना चाहता हूँ इस बात के लिए कि एक अमृत क्रांति जिसमें जल को कैसे बचाया जाए, इस क्रांति में आप सब लोगों ने भी भाग लिया है। इसीलिए मैं आपको अपना क्रांतिकारी मित्र बता रहा हूँ और आपको बताया गया होगा कि आपने अपने इस प्रदेश में पानी को किस प्रकार से व्यवस्थित ढंग से उपयोग करना है, पानी का कैसे कम उपयोग किया जाए, इस पर ध्यान दिया है। उस योजना के आप भागीदार बने हैं। हम जानते हैं कि पानी कम भी और ज्यादा भी दोनों हानिकारक हैं। ज्यादा पानी आ जाए तो बाढ़ आती है और हमारी फसलें बाढ़ में नुकसान हो सकता है। ऐसे ही पानी अगर कम हो तो सूखा पड़ जाता है, हमारी बोई फसलें भी एक प्रकार से उत्पादन उसका खत्म हो जाता है, फसलें सूख जाती हैं, तो दोनों का ही एक प्रकार से हानिकारक है। हम जानते हैं कि पानी जो है उसके बहुत स्रोत हैं। हमें नहरों से पानी मिलता है, वर्षा से पानी मिलता है और साथ ही हम पृथ्वी के गर्भ से भी पानी निकालते हैं, अपने कुएं अपने ट्यूबवेल ये लगा करके पानी निकालते हैं। हमारा एक समय था परंपरागत तरीके से हम अपने तालाबों से सिंचाई करते थे वर्षों पहले, और तालाब भी अपने आप नहीं बने थे। तालाब भी हम देखते हैं गांव के किनारे, बहुत से उस समय के लोगों ने अपने अपने गांव में बड़े बड़े तालाब खोदे ताकि वर्षा के पानी को हम इकट्ठा कर सकें और उसका उपयोग कर सकें दैनंदिन जीवन में भी और सिंचाई में भी। अब इस प्रकार का एक समय अब आया है, हमको इन सब चीजों पर ध्यान करना होगा कि समय के हिसाब से चीजें अब बदल गई हैं, क्योंकि अब पानी का उपयोग, ये अंधाधुंध पानी का उपयोग होने लगा है। हमें खेती के लिए भी पानी चाहिए, हमें पीने के लिए भी पानी चाहिए, हमें दैनंदिन जीवन में जो पानी है उस पर भी बहुत उपयोग उसका होने लगा है। उद्योग के लिए भी पानी जो है वो हमको चाहिए और पानी निरंतर कम होता जा रहा है। एक प्रकार का अगर कहें कि जैसे मौसम में बदलाव हो रहा है, वैसे वर्षा भी अब अनिश्चित हो गई है। समय के अलावा आगे पीछे वर्षा होती है जिसका नुकसान होता है। अभी इन्हीं दिनों में वर्षा के ज्यादा होने से हमारी फसलें कितनी खराब हुई हैं। तो इन सब बातों का जब ध्यान करते हैं तो हमें पानी बचाने का एक विचार ये जरूर आता है। हम जानते हैं जल, जंगल और जमीन, ये तीनों चीजें हमारे जीवन का आधार है और इन तीनों पर हमको चिंता करनी चाहिए। और जब चिंता करने की बात आई तो उसमें से एक विचार आया कि आखिर पानी का सदुपयोग कैसे किया जाए, पानी को कैसे बचाया जाए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पानी के महत्व को समझाते हुए कहा कि जितनी जरूरत हमारे शरीर में खून की होती है, जिंदगी के लिए उतनी ही जरूरत पानी की है, और अगर इस ओर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया तो आने वाले समय में जमीन बंजर हो जाएगी और जीवन पर गहरा संकट छा जाएगा। तो हमें पानी बचाने का एक विचार ये जरूर आता है। हम जानते हैं जल, जंगल और जमीन, ये तीनों चीजें हमारे जीवन का आधार है और इन तीनों पर हमको चिंता करनी चाहिए। और जब चिंता करने की बात आई तो उसमें से एक विचार आया कि आखिर पानी का सदुपयोग कैसे किया जाए, पानी को कैसे बचाया जाए। जैसा हम देखते हैं कि पानी खेती के लिए सबसे ज्यादा पानी धान में उपयोग होता है, गन्ने में उपयोग होता है, इस पर हमने एक नया विचार जो आपके सामने मैं रखने वाला हूं। लेकिन उससे पहले कुछ और चीजें ये ध्यान आपको मैं कराऊंगा कि पानी जमीन के अंदर से हम दोहन करते हैं तो जमीन धीरे धीरे पानी उसका खत्म होता जा रहा है और इससे जमीन बंजर होती जा रही है। पानी जमीन के लिए उसी प्रकार का एक
मैं कहूंगा कि एक पानी की मात्रा, जैसे शरीर में खून होता है, अगर हट्टा कट्ठा हृष्ट पुष्ट बलशाली शरीर, उसमें से खून की कमी हो जाए तो शरीर क्षीण होता चला जाता है, कमजोर होता चला जाता है, शरीर में ताकत नहीं रहती है। ऐसा ही अगर हम जमीन में सोचते हैं तो जमीन का जो पानी हम एक सीमा से अधिक निकालते हैं तो जमीन भी धीरे धीरे गैर उपजाऊ हो जाएगी, बंजर हो जाएगी, एक प्रकार से मरुस्थल और रेतीला इलाका, वो भी पानी के कमी के कारण से होता है। उसमें से ही ये सब विषय हमको ध्यान में आए कि हम पानी का किस प्रकार से उपयोग ठीक करें। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन जागरूक किसानों की तारीफ की जिसकी वजह से लाखों गैलन पानी की बचती है। मनोहर लाल ने कहा कि वर्तमान समय में नदियां सूख रही हैं, भूमिगत जल समाप्ति की ओर है, प्रदेश में 36 ब्लॉक डार्क जोन में आ गए हैं। एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश के कुल 7,287 गांव में से 3,041 गांव पानी की कमी से जूझ रहे हैं और इस विकराल परिस्थिति से तभी उभरा जा सकता है जब आम इंसान और सरकारी तंत्र मिलकर काम करेगा। पानी की कमी महसूस हुई, पानी जमीन में बहुत नीचे जाने लगा तो डार्क जोन का एरिया ये घोषित हुआ। सेंट्रल वाटर कमीशन, केंद्र का जल आयोग, उन्होंने भी हमारे प्रदेश के 36 ब्लॉक उनको डार्क जोन घोषित कर दिया है। एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे 7,287 गांव, जिसमें 3,041 के अंदर पानी की कमी महसूस की गई है और 1948 तो ऐसे हैं जो गंभीर संकट में आ गए हैं। उन जगह पर तो पानी 30 मीटर से भी ज्यादा नीचे चला गया, अर्थात 100 फुट से भी ज्यादा। तो ऐसे जो गंभीर संकट के गांव हैं, उनमें भी पानी की व्यवस्था कैसे ठीक की जाए, तो इसी के लिए मैं ये कहूंगा कि सरकारी जो तंत्र है वो हरकत में आकर के जो कई चीजें हमने की हैं उसके अंदर, जैसा केंद्र में जल आयोग है, ऐसे हमने प्रदेश जल संसाधन प्राधिकरण ये बनाया है और उनको कहा है कि पानी का नियंत्रण ये कैसे किया जाए, पानी का सदुपयोग ये किस प्रकार से हो, और खास करके जिस पानी का हम उपयोग कर लेते हैं और जो पानी खराब हो जाता है, गंदा हो जाता है, उसको भी कैसे सफाई करें, कैसे हम एसटीपी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं, कैसे वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाएं और उसका उपयोग दोबारा से रीयूज जिसको कहना है, दोबारा उपयोग करने के लिए उसको लेकर आएं। आपकी जानकारी के लिए हमने करोड़ों रूपये लगा करके 200 एसटीपी लगाए हैं और इसका लगभग 700 क्यूसिक पानी ये हम इसको दोबारा से उपयोग कर रहे हैं और इसमें चाहे वो हमारी इंडस्ट्री में काम आता है, चाहे वो बागवानी में काम आता है, खेती में सिंचाई के लिए भी उसका उपयोग कर रहे हैं। तो एक बड़ी एक जिसको कहना चाहिए बड़े कदम इसके लिए उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों से मेरा पानी मेरी विरासत योजना से जुड़कर पानी बचाने की मुहिम में शामिल होने का आग्रह किया। उन्होंने ये कहा कि सबसे अधिक पानी की खपत धान और गन्ने की फसल में होती है, किसानों को इस बारे में जरूर सोचने की जरूरत है, सरकार अपनी ओर से हर संभव मदद दे रही है। ज्यादा चिंता का विषय है वो जमीन के अंदर का पानी। जमीन के अंदर के पानी को पूरा करने के लिए पहले हमारे तालाब थे, वो भी उपयोगी होते थे, जमीन में पानी को रिचार्ज करके नीचे सतह पर पहुंचाते थे, जमीन पोरस भी होती थी। जमीन के अंदर जैसे केचुए उस समय खेती में काम करते थे, वो जमीन को उसको जो है पोरस कर देते थे और उसमें पानी जो है नीचे जमीन में चला जाता था। लेकिन अब हम देखते हैं जैसे केमिकल का जो खाद हमने उपयोग करना शुरू किया है, तब से मिट्टी की परतें ऊपर की परतें और वो सख्त होती जा रही हैं और वो ठोस हो गई हैं। सख्त होने से जमीन में वर्षा का पानी भी जो है वो रिसता नहीं है, तो उस रिसाव के ना होने के कारण से नीचे पानी नहीं जा रहा है। हमने इसके लिए कुछ प्रयोग करने शुरू किए हैं, जैसे रिचार्ज वेल, जैसे पानी जमीन के अंदर वर्षा के दिनों में कैसे जा सके, लगभग 1,000 रिचार्ज वेल ये हमने बनाए हैं। इसी प्रकार नई झीलें और जो पुरानी झीलें हैं और तालाब हैं उनको साफ करने का काम, नई झीलें बनाने का काम ये हमने किया है। इसके लिए हरियाणा में तालाब प्राधिकरण ये भी हमने बनाया है, लगभग 8,000 तालाब हैं, उसको कैसे स्वच्छ किया जाए, कैसे उसकी सुंदरता बढ़ाई जाए, कैसे उसके पानी का उपयोग माइक्रो इरिगेशन के नाते हम उपयोग कर सकते हैं, तो इस प्रकार से ये सारे कदम और हमने उठाने शुरू किए हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि फसल विविधीकरण करने वाले किसानों को 7,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से वित्तीय सहायता दी जा रही है। किसानों को ये प्रोत्साहन राशि 2 किश्तों में सीधे बैंक खातों में दी गई।
खरीफ 2022 में 72,000 एकड़ क्षेत्र में धान की सीधी बुआई हुई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि धान की खेती के लिए सीधे बिजाई करने से 20-25% तक पानी की बचत होती है, इसीलिए सरकार ने धान की सीधी बिजाई को लेकर 4,000 रूपए प्रति एकड़ की दर से वित्तीय सहायता देने का प्रावधान किया है। उन्होंने उन किसानों का धन्यवाद किया जिन्होंने खरीफ 2022 में 72,000 एकड़ क्षेत्र में धान की सीधी बुआई की, जिससे 31,500 करोड़ लीटर पानी की बचत हुई। इन किसानों को 29,16,00,000 रुपए की राशि प्रदान की गई। अपने संबोधन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा, जिन खंडों में भूजल स्तर नीचे चला गया है वहां धान की जगह अन्य दूसरी फसल उगाने वाले किसान यदि बूंद बूंद सिंचाई प्रणाली को अपनाते हैं तो उन्हें सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियों की स्थापना के लिए 85% सब्सिडी दी जाती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि पानी के हवा में वाष्पीकरण और भूमि में रिसाव को रोकने के लिए भूमिगत पाइपलाइन स्कीम के तहत नालों के स्थान पर पाइपलाइन बिछाई जाती है। इस योजना में किसानों को 10,000 रूपए प्रति एकड़ और अधिकतम 60,000 रूपए प्रति किसान अनुदान राशि दी जा रही है। इस योजना के तहत अब 1957 किसानों को 8,34,00,000 रूपए की राशि अनुदान के रूप में दी गई है। सरकार ने अगले 3 वर्षों में सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली से गन्ने की खेती के तहत 2,00,000 एकड़ क्षेत्र को कवर करने का लक्ष्य रखा है। मित्रों, पानी जो है वो बचाना बहुत जरूरी है। जैसे बताया कि पानी के बिना जमीन सूनी हो जाएगी। हम हमेशा अपनी जमीन को बचाने का काम करते हैं, इकट्ठा करने का काम करते हैं, सपने लेते हैं कि हमारे बाद हमारे बच्चों के वो जमीन काम आएगी, वो जमीन हमारी जायदाद है और उस जमीन को हम अपनी विरासत मानते हैं। लेकिन भूलिए मत कि जमीन के साथ पानी, ये भी हमारी विरासत है। अगर पानी के बिना जमीन हमने दी तो उसका कोई उपयोग नहीं हो पाएगा। इसलिए हमने इस कार्यक्रम को शुरू किया जिसका नाम दिया हमने मेरा पानी मेरी विरासत। और मेरा पानी मेरी विरासत के अंतर्गत जो योजना बनाई गई वो यही बनाई गई है कि हम कैसे इस पानी का उपयोग, इसका प्रबंधन, ये हम कैसे ठीक करें। और ठीक करने के लिए हमने जैसे कहा कि धान की खेती, ये धान ऐसी फसल है और गन्ना फसल की इस प्रकार की फसल है कि सबसे ज्यादा पानी धान में और गन्ने में लगता है। एक तो हमारे मित्र ऐसे हैं जो हमारे ध्यान में आए, उन्होंने अपने खाने में चावल खाना छोड़ दिया। और क्यों छोड़ा? वो कहते हैं कि 1 किलो चावल के उगाने में, उसको पैदा करने में 3,000 लीटर पानी लगता है। कहने लगे अगर मैं पाव भर भी यानी चावल अपने भोजन में खाऊंगा तो 750 लीटर पानी इसको मैं खराब करूंगा। तो इस प्रकार से एक संकल्प के नाते मैंने एक उदाहरण दिया है। लेकिन क्या हमारा किसान ये अपनी खेती में विविधीकरण करके अन्य फसलों का उपयोग यानी पैदावार करके क्या उसका पानी का बचाव नहीं कर सकता? निश्चित कर सकता है। जब बातचीत हुई तो हमारे किसानों ने कहा कि हमारी थोड़ी आमदन घटेगी। हमने कहा आमदन अगर घटेगी तो हम इस काम के लिए, एक बहुत पवित्र कार्य है, हम स्टेट का जो बजट है वो भी इसमें लगा सकते हैं। आपको घाटा शायद पूरा तो ना भरपाई हो सके, लेकिन जो कारण है उसको यदि आप समझेंगे तो उसका कुछ थोड़ा मुआवजा हम भी देंगे। तो हमने 7,000 रूपये प्रति एकड़ ये मुआवजा शुरू किया आज से 2 साल पहले 2020 में। और मुझे बड़ी खुशी है कि आप सब लोग जो आज जुड़े हुए हैं, हजारों की संख्या में आज जो मेरे साथ किसान जुड़े हैं, जिनको मैंने हमारे क्रांति मित्र ये कहा है, जल क्रांति मित्र ये हैं, अमृत क्रांति मित्र हैं, आप सब लोगों ने उसमें सहयोग किया। और मेरी जानकारी के हिसाब से 1,74,464 एकड़ पिछले 3 साल में और इतनी जमीन पर चावल छोड़ करके और दूसरी फसलों के ऊपर आपने जो काम किया है, चाहे उसमें मक्का है, कपास है, बाजरा है, खरीफ की दालें हैं, खरीफ तिलहन है, सब्जियां हैं, चारा है, पॉपुलर सफेदा, ये भी हमने जोड़ दिया है। तो ऐसे लगातार हम 3 वर्ष में जो रिजल्ट निकाल पाए 1,74,464 एकड़ भूमि पर हमने अपनी बिजाई दूसरी फसलों को बो करके एक बहुत अच्छा काम किया है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना से भूमिगत जल रिचार्ज होगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि प्रदेश के 14 जिलों के 36 चिन्हित खंडों में भूजल सुधार के लिए अटल भूजल योजना शुरू की गई है। उन्होंने कहा है कि मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत भूमिगत जल स्तर को ऊंचा उठाने पर काम चल रहा है, जिसके लिए प्रदेश के 8 डाक जोन घोषित खंडों में 1,000 रिचार्ज कुओं का निर्माण कार्य प्रगति पर है। इसी तरह प्रदेश में 86 रेन वाटर हार्वेस्टिंग ढांचे बनाए गए हैं।
कृष्णावती नदी और मसानी बैराज में रिचार्जिंग के लिए पानी छोड़ा जा रहा है और ये सभी काम आने वाली पीढ़ी को एक अच्छी विरासत देने की सोच के साथ किया जा रहा है। और मैं चाहूंगा कि आपने जिन्होंने काम किया ये एक पवित्र कार्य, पुण्य कार्य किया, अपनी अगली पीढ़ी के लिए किया। और इसमें लाभार्थी आप नहीं है, लाभार्थी तो सारा प्रदेश है। यानी हम कहेंगे कि हम लाभार्थी 7,000 रूपये के हैं, 7,000 रूपया तो केवल एक थोड़ी मात्रा में आपको जो आपको नुकसान होगा उसकी पूर्ति करने के लिए दिया। लाभ तो हमारी अगली पीढ़ी को हो रहा है, पूरे प्रदेश को हो रहा है। आप तो इसमें कर्म करने वाले कर्मार्थी बने हैं। कर्म करना ही हमारे लिए बहुत श्रेष्ठ जो काम है वही है। हम कर्म करते जाएं, फल तो जिसको लेना होगा हमें मिलेगा या किसी और को मिलेगा, इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन निश्चित रूप से ये फलदायी कार्य है, इसको हमको अपने आप को भी करना है और बाकी लोगों को भी इसके लिए कराना है। और हमने तो यहां तक कहा कि अगर, क्योंकि हमारे किसान भाई जानते हैं कि 3-4 साल 5 साल के चक्र में 1 साल फसल न बोई जाए तो फसल की उपजाऊ जो शक्ति है वो बढ़ती है। आप अगर विविधीकरण से दूसरी फसल न भी बोएं लेकिन धान की जगह की फसल को आप खाली भी रखते हैं तो जमीन का उपजाऊपन बढ़ेगा और उसके बदले में भी हम 7,000 रूपया ये आपको देने वाले हैं। एक दूसरा तरीका पानी को बचाने का हो सकता है, डायरेक्ट सीडिंग, सीधी फसल की जो बिजाई है धान की, अगर वो करते हैं उससे भी हमारा पानी बचता है। इसके लिए भी हमने 4,000 रूपया प्रति एकड़ इसका जो अनुदान है ये दिया है। तो उस पर भी बहुत से जो हमारे बंधु हैं वो आ गए हैं और अब हम चाहते हैं कि हर गांव का पानी ये बचना चाहिए। जल है तो बेहतर कल है, इस सोच के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से कई ऐसी कोशिशें की जा रही हैं जिससे अगली पीढ़ी की जिंदगी आसान हो सके। लेकिन मनोहर लाल का कदम तभी सफल हो पाएगा जब प्रदेश का हर नागरिक जल बचाने की इस मुहिम में सरकार के साथ खड़ा होगा। सरकार के बहुत से ऐसे कार्यक्रम शुरू किए हैं जिससे जो बरसात के दिनों का पानी है वो हम तालाबों में उसको भेज सकें और जो हमारे तालाब जो नए हम बनाएंगे, झीलें बनाएंगे उसके अंदर रख सकें, पानी का रिचार्जिंग कर सकें। हमने मसानी डैम में ये प्रयोग किया है कि वहां पानी लगातार बरसात का जाता है और फुटों फुट पानी वहां खड़ा रहता है तो उसका परिणाम ये निकला है कि वहां रेवाड़ी जिले के आसपास लगभग 10 फुट पानी इसका जो लेवल है ये ऊंचा आया है। तो ऐसा काम हम अपने खेतों में रिचार्जिंग वेल लगा करके कर सकते हैं या वहां पर हम माइक्रो इरिगेशन के लिए अपने कुछ जिसको कहना चाहिए पानी संग्रह करने के लिए छोटे रिजर्वायर बनवा सकते हैं, उसके लिए सरकार सब्सिडी देती है। हम माइक्रो इरिगेशन का अगर प्रयोग करते हैं तो सरकार उसके लिए भी 85% ये सब्सिडी देती है। तो पैसे का उपयोग करके भी हम पानी को बचा सकें ये बहुत ही एक आवश्यक कार्य है। गांव-गांव में हमारे जल प्राधिकरण, जो हमारा जल संसाधन प्राधिकरण है हरियाणा का, उन्होंने तो योजना बनाई है कि पहले ब्लॉक के हिसाब से हम डार्क जोन का मूल्यांकन करते थे, सेंट्रल वाटर कमीशन ये करके देता था। अब तो हम स्वयं हर गांव का ये मूल्यांकन करेंगे कि उस गांव का पानी 1 साल पहले कितना था और अब 1 साल के बाद ऊपर आया तो कितना आया। हर गांव के लिए पीजोमीटर, इसकी हमने व्यवस्था की है। लगभग 1500 गांव में ये पीजोमीटर लग चुके हैं, अन्य गांव में भी अगले वर्षों में पीजोमीटर लगाए जाएंगे, खास करके जहां पानी का लेवल 100 फुट से ज्यादा नीचे चला गया है। जहां 100 फुट से ज्यादा नीचे पानी गया है, हमारे किसान बंधु जानते हैं जो ट्यूबवेल चलाते हैं कि हर साल एक पाइप या 2 साल के बाद एक पाइप उनको नीचे पानी का डालने पड़ता है और पिछले 10 साल में तो लगातार हर वर्ष 1 मीटर पानी नीचे जा रहा है। ये बहुत एक खतरनाक ट्रेंड है, इसको हमको रोकना होगा और यदि इसको हम रोक लेंगे तो अगली पीढ़ी निश्चित रूप से हमको एक प्रकार से इस बात का श्रेय देगी कि हमारे पूर्वजों ने पानी की चिंता की है। करीब 8 साल पहले प्रदेश की सत्ता पर मनोहर सरकार पूर्ण बहुमत के साथ काबिज हुई और सरकार ने हर उस मंच से दावा किया कि प्रदेश में अब किसी की अनदेखी नहीं होगी और खासकर उन किसानों की जो प्रदेश का पेट भरते हैं। किसानों को सिंचाई के लिए पानी बंटवारे में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और अब सरकार का दावा है कि किसानों को खेती के लिए उचित मात्रा में पानी मिल रहा है। प्रदेश में पानी की समस्या किसी से छिपी नहीं थी, जिसे दूर करने का हर वो सरकार दावा करती आई थी जो सत्ता के सिंहासन पर काबिज होती थी। बावजूद इसके कम पानी की वजह से किसान बदहाली की कगार पर थे। साल 2014 के विधानसभा चुनाव में भी पानी बड़ा मुद्दा बना, जिसे वर्तमान की मनोहर सरकार ने जमकर भुनाया।
और किसानों को इस बात का भरोसा दिलाने में कामयाब रही कि पिछली सरकार की नीतियों की वजह से किसानों को समय पर पानी नहीं मिल रहा है। ऐसे में वादे के मुताबिक वर्तमान सरकार के सामने भी दक्षिण हरियाणा को पानी पहुंचाना बड़ी चुनौती थी। हालांकि अब इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार किसानों को सिंचाई के लिए नहरों का पानी उपलब्ध करवाने में सफल साबित हुई है, जिसका सीधा लाभ अन्नदाता को मिल रहा है। इन 8 सालों में अपने इस प्रदेश में किस प्रकार के काम होने चाहिए उसकी एक दिशा और एक दशा ये तय की है, और उसमें खासकर जो हमारे विशेष कठिनाइयां भविष्य की हैं उनकी भी चिंता की है। एक बड़ी कठिनाई वो है यहां पानी की। हरियाणा पानी का डेफिसिट स्टेट है, पानी की कमी वाला प्रदेश है। सारे देश का हिसाब लगाए तो उतनी कमी शायद नहीं है, फिर भी इस पानी की अगर संभाल नहीं की तो हरियाणा का संकट तो अभी है, बाकी प्रदेशों में भी आने वाले 15-20 साल में संकट खड़ा हो सकता है। आज पूरे देश में आंकड़ों के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो पूरे देश के अंदर 1100 बीसीएम, बीसीएम माने बिलियन क्यूबिक मीटर, इतना पानी उपलब्ध है, और आज हमारी खपत है 800 बीसीएम। 1100 बीसीएम पानी हमारे पास है, 800 की खपत है, अर्थात आने वाले 20 साल तक हम उस पानी का ठीक से उपयोग करेंगे तो हमारी चिंता नहीं है। लेकिन हरियाणा की अगर मैं बात करता हूं तो हरियाणा में एमएएफ मिलियन एकड़ फीट जिसको कहते हैं, आज हमारे पास 32 एमएएफ पानी इसकी डिमांड है, हमारी जरूरत है 32 एमएएफ की, और हमारे पास है कितना, 16 एमएएफ। इतना पानी कम है हमारा। अगर कम पानी है इस कारण से हमारा बहुत सा इलाका सिंचाई में उसको पानी नहीं दे पाते हैं, क्योंकि पीने की आवश्यकता तो सबकी पूरी करनी पड़ेगी, करते हैं। प्रदेश में किसानों के सामने सिंचाई के लिए पानी की कमी सबसे बड़ी समस्या थी। मौसम की मार के कारण किसानों को खेती के लिए समय पर पानी नहीं मिल पाता था, जिससे किसानों की फसल या तो अच्छी नहीं होती थी या फिर पूरी तरह से बर्बाद हो जाती थी। किसानों की इस समस्या से पार पाना मनोहर सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। 2026 तक हरियाणा जो है कैसे उसको बाढ़ मुक्त कर सकते हैं, हालांकि बाढ़ अभी भी नहीं आती उतनी ज्यादा, लेकिन वाटर का जो इकट्ठा होता है एक्युमुलेशन कई कई दिन तक खड़ा रहता है, वो पानी निकालने की कोशिश के बावजूद भी कई जगह तो 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 28 दिन तक भी वो पानी खड़ा रहता है, और कई बार एक एक फसल किसान की बोई भी नहीं जाती है। ऐसा भी सारे विषय जो ध्यान में किए हैं वो सब एक प्रकार से उस सारी स्थिति से मुक्त होने के लिए 2026 तक हम ये सारे काम करके और पूरी जमीन को उपयोगी बना सकेंगे। जल भराव के जो पानी है, जो एरिया है, उसमें जैसे मैंने बताया रिचार्ज बोरवेल्स, इसको बनाने के लिए एक स्कीम हम जल्दी लेकर के आएंगे किसानों की कंट्रीब्यूशन से, और जहाँ जहाँ बोरवेल चाहते हैं उनको बोरवेल हम लगा करके दे सकें अथवा फाइनेंशियल हेल्प उनकी करें। अभी तक 20,000 जगह से डिमांड आई हुई है कि जहाँ रिचार्ज बोरवेल, चूस वेल जिसको कहते हो गांव में, तो ऐसे वेल्स को लगा करके और पानी को जो है उसका प्रबंधन ये सब किया जाए। एक सर्वे के मुताबिक प्रदेश के जल स्तर में लगातार गिरावट देखी जा रही है, और इसकी एक वजह है घरेलू जरूरतों और सिंचाई के लिए पानी की मांग प्रतिदिन बढ़ना। ऐसे में सरकार के लिए चुनौती किसानों को उचित मात्रा में पानी पहुंचाना है, जिसके लिए सरकार ने एक के बाद एक कई कदम उठाए, जिसका सीधा फायदा आवाम को मिलता दिख रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अधिक से अधिक पानी को बचाने की मुहिम में जुटे हैं, ताकि पूरा प्रदेश खुशहाल हो सके और अगली पीढ़ी को एक समृद्ध प्रदेश सौंपा जा सके, और इसके लिए सरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही हैं। हमारे साथ विकासशील हरियाणा में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।